टेस्टी ओरियो बनाना शेक। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी ओरियो बनाना शेक की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसे आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, क्विक 2 मिनट में ही आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी ओरियो बनाना शेक। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर 4 बनाना लिया है, ओरियो बिस्किट लिया है, यहाँ पर देखिए मैंने कंडेंस मिल्क, और देखिए मैं यहाँ पर 1 ग्लास मिल्क भी ली हूँ। और सबसे पहले देखिए, हमको ओरियो बिस्कुट को अच्छे से क्रश कर लेना है, तोड़ लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने बिस्किट को तोड़ लिया है और पैकेट से खोल के मुझे निकाल लेना है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनता है, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बनाना को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इसको मिक्सर के जार में अब हमको डाल देना है। और यहीं पर देखिए, मैं दूध भी ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए, मैंने 1 ग्लास दूध डाल दिया है। यहाँ पर मैं दो ग्लास ओरियो बनाना शेक बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने 1 बड़े चम्मच वनीला आइसक्रीम डाल दिया है। और अब हम कंडेंस मिल्क डाल देंगे। तो ये अगर आप इसमें चीनी ऐड करना चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं ऊपर से ओरियो बिस्कुट को, जो मैं क्रश करके ली थी, उसको मैं हम डाल देंगे। तो बस अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो बस 1 मिनट में ही देखिए ये कितना अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो ये देखिए, 1 मिनट हो चुके हैं और ये एकदम रेडी हो चुका है। लेकिन अभी हम इसमें आइस क्यूब डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें आइस क्यूब डाल दिया। और अब हम फिर इसको चलाएंगे और देखिए, ये एकदम रेडी हो चुका है ओरियो बनाना मिल्क शेक। तो अब हम इसको ग्लास में डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैं ग्लास में सर्व कर दूंगी। टेस्टी ओरियो बनाना मिल्क शेक रेडी हो चुका है। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके ऊपर से मैंने जो ओरियो बिस्किट के जो क्रश किए हुए टुकड़े थे, उससे मैंने डेकोरेट कर दिया है। आई होप कि आपको क्विक ओरियो बनाना मिल्क शेक की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड।